स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे हम लोग क्लास 10 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और इसमें क्वेश्चन जो है 5 नंबर का है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब कि सॉल्यूशन आपको पूरा फुल अच्छे से लिखना होगा, स्टेप वाइज लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, स्टेट ओम्स लॉ। पहला तो आपको स्टेटमेंट लिखना होगा ओम्स लॉ का, और ओम्स लॉ का स्टेटमेंट कहता है द इलेक्ट्रिक करेंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर स्टेज अनचेंज्ड। मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, ऐसा कंडक्टर है, ठीक है, ये आपका एक कंडक्टर है, इसको जोड़ दीजिए वायर से और एक बैटरी से, इसको एक वायर और बैटरी से ऐसे जोड़ दीजिए। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव पोटेंशियल, मान लीजिए कि वी लग रहा है, बैटरी का जो पोटेंशियल है वी है, और इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस आर है और इसमें करंट आई जा रहा है। तो ओम्स लॉ का कहना है कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई, या आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। मतलब कि जितना ज्यादा पोटेंशियल आप देंगे आपको करंट भी उतना ज्यादा मिलेगा। समझ रहे हो? देखिए आप सिंपल ऐसे समझिए कि आपको रिमोट, टीवी का जो रिमोट होता है उसमें छोटा सा बैटरी लगता है, लेकिन जो कार होता है उसमें बड़ा सा बैटरी होता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो बड़ा बैटरी है वो ज़्यादा करंट देगा, जो छोटा बैटरी है कम करंट देगा। टीवी के रिमोट में कम करंट चाहिए लेकिन कार में बड़ा बैटरी, क्योंकि वहाँ ज़्यादा करंट चाहिए। तो वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट, करंट अगर आप ज़्यादा चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ओम्स लॉ का यही कहना है, लेकिन ओम्स लॉ ये भी कहता है कि आपका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर जो है वो चेंज करेंगे तो ये हो सकता है वैलिड ना रहे। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आपका क्या कहना है ओम्स लॉ का, दैट कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप हटाते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है वी इक्वल्स टू आई आर। यही ओम्स लॉ है, वी इक्वल टू आई आर, जहां पर कि वी पोटेंशियल डिफरेंस है, आई करेंट है और आर रेजिस्टेंस है। तो ये स्टेटमेंट आपको वहां लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखने के बाद उसके बाद सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में कह रहा है ड्रॉ ए लेवल सर्किट डायग्राम, एक सर्किट डायग्राम बनाइए टू वेरीफाई दिस लॉ, इस लॉ को वेरीफाई करने के लिए इन द लेबोरेटरी। अगर आप लेबोरेटरी में इस लॉ को वेरीफाई कराना चाहते हैं तो आप एक सर्किट डायग्राम बना के बताइए कि कैसे वेरीफाई करेंगे। तो देखिए फर्स्ट डायग्राम आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट डायग्राम में देखिए यहाँ पे बहुत सारा बैटरी लगा हुआ है, एक सेल्स, दो, तीन सेल, चार सेल, तो इस तरह से सब लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो लगा हुआ है इसका रोल क्या है, क्यों इतना सारा हमने लगा के रखा है, तो मैं इसको समझाता हूँ। देखिए ये तो चलिए यहाँ पे बहुत सारे पोटेंशियल्स लगे हुए हैं, अगर आप और देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ ए का मतलब एमीटर, एमीटर करंट को मेजर करता है, करंट कितना जा रहा है, और ये की है, की मतलब आपका खुला है या बंद है, तो ये डॉट है बीच में मतलब कि ये क्लोज्ड है तो करंट जाएगा, और ये इसके अक्रॉस का पोटेंशियल है। ठीक है, किसके अक्रॉस, इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, तो ये डायग्राम आपको वहां पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कैसे होगा, देखिए वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पर होगा क्या कि अगर आप यहाँ से यहाँ कनेक्शन करते हैं तो ये तीन बैटरीज जो है ये काम नहीं करेंगी, क्योंकि उनका काम वहां पे नहीं है, बस आप यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं तो पोटेंशियल आपका वी है। ठीक है, और ये करंट इधर से चला, ये पाथ से चला जाएगा। ठीक है, समझ रहे बात? लेकिन अगर आप कनेक्शन तार का यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो आपका दो बैटरी कनेक्ट हो जाएगा तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, वही अगर आप कनेक्शन यहाँ पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक करेंगे तो तीन बैटरी आ जाएगा, और अगर पूरा शुरू से लेकर अंत तक कनेक्शन करेंगे तो आपका चार बैटरी टोटल हो जाएगा। तो इस तरह से हम पोटेंशियल को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो जब हम लोग पोटेंशियल को कम रख रहे हैं तो हमारा करंट भी हम लोग इस एमीटर से देख पा रहे हैं, एमीटर करंट मेजर करके बता देगा कि कम जा रहा है, लेकिन अगर पोटेंशियल को थोड़ा बढ़ा रहे हैं मतलब दो बैटरी का यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे करंट भी थोड़ा बढ़ जा रहा है, एमीटर का जो रीडिंग है वो बढ़ जा रहा है। तो इस तरह से करके हम लोग जो है यहाँ पर देख लेंगे कि वी और आई में दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है और वी इक्वल टू आई आर है यहाँ पे। ठीक है, तो इससे हम लोग ओम्स लॉ को वेरीफाई कर लेंगे लेबोरेटरी में। तो ये डायग्राम आप बना देना वहाँ पे। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है क्वेश्चन का, देखिए थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि इफ 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 यू ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करेंट फ्लोइंग थ्रू ए मेटलिक कंडक्टर
व्हाट काइंड ऑफ कर्व विल यू गेट, मतलब सिंपल भाषा में आपको बोल रहा है कि आप ग्राफ बना के बताइए वी वर्सेस आई का, वी वर्सेस आई, मतलब एक तरफ पोटेंशियल डिफरेंस रखिए और एक तरफ करंट रखिए और एक ग्राफ बना के बताइए कि कैसा होगा। तो देखिए ये सेकेंड डायग्राम उसका आंसर होगा, देखिए कैसे। देखिए आप वाई एक्सिस में इधर देख रहे हैं, वाई एक्सिस में आपको क्या मिल रहा है, तो वाई एक्सिस में आपको पोटेंशियल डिफरेंस को प्लॉट कर रहे हैं और एक्स एक्सिस में किसको प्लॉट कर रहे हैं, करंट को। हमारा ग्राफ एकदम सेंटर से, ओरिजिन से चालू होकर के एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा, ओके। तो ये कैसे होगा, तो हम लोग इसको देखिए, हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग यहाँ पोटेंशियल 0.4 दे रहे हैं तो हमारा जो करंट है वो कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, ओके, सॉरी इसके इधर ऐसे, ठीक है। और जब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ा दे रहे हैं तो हमारा करंट भी बढ़ जा रहा है, फिर थोड़ा और बढ़ा रहे तो करंट और बढ़ जा रहा है, फिर थोड़ा और बढ़ा रहे पोटेंशियल तो करंट और बढ़ जा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स हमें मिलेंगे ऐसे, और इन सब पॉइंट्स को मिलाने के बाद जब आप मिलाएंगे तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो जब आप एग्ज़ाम में बनाओगे तो उस एग्ज़ाम में आपको यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ यहाँ लिखे हुए हैं ये सारे वैल्यूज़ लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल देखिए क्या लिखना है इसमें। देखिए आपको ये सारे वैल्यूज जो है ना, ये 2 है और इधर आपका जो भी वैल्यू है ये जैसे 2 है, ये नहीं लिखना है, ये सारे वैल्यूज आपको नहीं लिखने हैं। ये मैंने समझाने के लिए लिखा था कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ा रहे वैसे वैसे आपका ये भी बढ़ता चला जा रहा है, करेंट भी बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये आप नहीं लिखेंगे, आप सिंपल ये डायग्राम बना देंगे, एक तरफ करेंट लिख देंगे और एक तरफ पोटेंशियल, मतलब इस तरह से इधर आप दिखा देंगे एक्स एक्सिस में करंट और इधर आप दिखा देंगे पोटेंशियल और बीच से एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे ऐसे, बस इतना बना देंगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है एक्सप्लेन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन हाउ यू वुड यूज दिस ग्राफ टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो आप इस ग्राफ का यूज करके रेजिस्टेंस कैसे निकालिएगा, देखिए आपको स्लोप निकालने आता होगा ग्राफ का अगर आप पढ़े होंगे तो, और नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। देखिए ओम्स लॉ क्या था, ओम्स लॉ था वी इक्वल टू आई आर। तो अगर हमें रेजिस्टेंस चाहिए तो रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस आर इक्वल टू वी बाई आई हो जाएगा, रेजिस्टेंस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आई, ठीक है, वी बाई आई। तो जो वी है वो क्या है, पोटेंशियल, और आई क्या है, करेंट। तो देखिए अगर हम लोग इसमें एक ट्रायंगल बना ले ऐसे, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये जो हाइट है यही तो पोटेंशियल है और ये जो बेस है यही तो करंट है कि नहीं। तो ये पोटेंशियल हो गया हाइट और ये जो बेस है ये हो गया करंट, मतलब कि जो ग्राफ का स्लोप होता है, स्लोप जो होता है ग्राफ का, स्लोप होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, आप याद रखिएगा, ठीक है। स्लोप अगर आप कहीं भी किसी भी ग्राफ का निकालिएगा तो परपेंडिकुलर बाई बेस करिएगा। तो जो परपेंडिकुलर है वो कौन है, वी है, और जो बेस है वो कौन है, करंट है। दैट मीन्स कि अगर आप वी आई ग्राफ जो आप बनाए थे उसमें अगर आप स्लोप निकाल देते हैं तो आपका क्या निकल जाएगा, रेजिस्टेंस। तो ये लास्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, द स्लोप ऑफ द वी आई ग्राफ गिव्स द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ओके। ये आप लिख देंगे उसमें आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पूरा अच्छा से समझ आ गया होगा और कितना लिखना है तब जा करके आपको 5 नंबर मिलेगा। पहले ओम्स लॉ डिफाइन करना है, फिर फर्स्ट वाला डायग्राम बनाना है, फिर सेकंड डायग्राम बनाना है और लास्ट में ये लिखना है। ये पूरा कंप्लीट लिखने में आपका 5 नंबर तो कोई काट नहीं सकता है, ठीक है। तो लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।